तो यार सुबह अभी हो चुकी है। लॉस सैंटोस का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रखा है। शिनचैन और चॉप मुझे दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे, पता नहीं कहाँ पे चले गए। शिनचैन, चॉप, कहाँ पर हो तुम दोनों? ना इन दोनों की आवाज आ रही है, ना आज यार सुबह से इन्होंने लड़ाई करी है, ना कुछ किया है, इनकी आवाज बिल्कुल भी आई नहीं रही है। एक सेकंड, लगता है बाहर कोई आया है। चलो फटाफट से देखते कौन आ गया अभी सुबह सुबह। कौन है भाई? अरे ये कौन है? हेलो अंकल, मेरा नाम है प्रिया। आज मेरा डॉग का बर्थडे है तो हमने सारे फैमिली मेंबर्स को लेके आना, पार्टी करेंगे। अंकल यहाँ पे अंकल कौन है? ओ आंटी, मैं अंकल वंकल नहीं हूँ। मुझे आंटी बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे तुमने भी तो मुझे पहले अंकल बोला था, तो मैं क्यों आंटी बोलूँ? वो सब छोड़ो, मेरी लिली की पार्टी में आ जाना। लिली? लिली कौन है? अरे मेरी कुत्ती। और कौन? अच्छा ओके ओके, आ जाएंगे आ जाएंगे। चॉप को जरूर लेके आना, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। क्या, चॉप का भी एक बेस्ट फ्रेंड है? अच्छा ठीक है, आ जाएंगे। अरे काइजर क्या जमाना आ गया है, चॉप का भी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा ही कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं इनकी बर्थडे पार्टी में भी चल लेंगे। पर वैसे शिनचैन और चॉप अभी तक आए नहीं है, रुको उनको फोन लगा के पूछते हैं वो कहाँ घूम रहे हैं। हेलो शिनचैन। अरे विक्की भाई क्या हो गया? अबे तुम हो कहाँ पे? अरे विक्की भाई हम आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। मेरे लिए सरप्राइज? अरे मेरा बर्थडे तो ना लिली का बर्थडे। एक आंटी आई थी, वो बोल के गई हमें यार लिली के बर्थडे पे जाना है, आ जाओ तुम दोनों। अरे विक्की भाई पहले हम आपका सरप्राइज बनाएंगे। मेरा सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? अरे विक्की भाई मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे दिखाएंगे। आ जाओ मजा आएंगे। अबे 24 के साथ है। अरे पर सरप्राइज क्या है? अरे विक्की भाई आ जा रहे भाई भाई। तो गाइस अब ये शिनचैन ने यहाँ पे फोन ही काट दिया और इसने मुझे एक लोकेशन भी भेज दी जहाँ पे मुझे जाना है। इन्होंने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है, पता नहीं कौन सा इन दोनों ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा। फिर हमें उसके बाद यार लिली की बर्थडे पार्टी में भी जाना, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। फटाफट से पहले चलते हैं शिनचैन और चॉप के पास, देखते हैं इन्होंने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। अभी हम बैठ चुके अपनी खतरनाक सी गाड़ी में और फटाफट से लोकेशन को फॉलो करते हैं और देखते हैं हम कहां पहुंचने वाले हैं। ये शिनचैन और चॉप भी ना जब देखो जब यार टाइम पास करते रहेंगे। अगर कोई अच्छा सरप्राइज नहीं हुआ ना तो इनको मैं बहुत ही मारने वाला हूं। तो यार अभी हम उस लोकेशन पर पहुंचने वाले जहाँ पे शिनचैन और चॉप ने हमें बुलाया। पता नहीं क्यों यहाँ बुलाया, यहाँ से लॉस सैंटोस के व्यू आप देख सकते हो कितने ज्यादा मस्त आते हैं। पर कोई बात नहीं, अभी फटाफट चलते हैं शिनचैन और चॉप के पास, देखते हैं उन्होंने क्यों बुलाया। और सामने मुझे शिनचैन और चॉप दिख भी चुके हैं। और ये क्या इनके पास? ये क्या, ये तो मेरी शक्ल है। अरे विक्की भाई आपका स्वागत है आपके सरप्राइज में। सरप्राइज? अब ये क्या चीज है? अरे विक्की भाई आपकी मुंडी है। मेरी मुंडी? ये मेरे लिए सरप्राइज है? ये सरप्राइज है कि क्या है? ये मेरी मुंडी कहाँ से तुम्हारे पास? अरे विक्की भाई हमने आपके लिए स्पेशल स्टैचू बनवाया है, ये मुंडी। और ये मुंडी तो बहुत ही ज्यादा मस्त सी लग रही है मुझे यार। अरे विक्की भाई हमने बहुत ही ज्यादा प्लानिंग करी थी इसके लिए, आपको कैसे लगा? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मुंडी तो सेम मेरे जैसी है, क्या ही मस्त लग रही है। आओ फ्रैंकलिन, इस मुंडी पे हम 5 महीनों से काम कर रहे थे। क्या 5 महीनों से? ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। थैंक यू शिनचैन और चॉप, ये गिफ्ट तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अरे विक्की भाई हम तो चाहते थे इस मुंडे की जगह एक गाड़ी बनवाए आपकी मुंडी वाली। मेरी मुंडी वाली गाड़ी? अरे विक्की भाई आपकी मुंडी होती उसके नीचे 4 टायर होते, फिर हम उस पे घूम पाते। और यार आइडिया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो क्यों नहीं बनी? अरे विक्की भाई ऐसा कोई मैकेनिक है ही नहीं, ऐसा कोई भी जना है नहीं लॉस सैंटोस में जो कि ऐसा काम कर पाए। बात तो सही है, ये काम तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है कि मेरी मुंडी को किसी गाड़ी के ऊपर लगाना, उसके नीचे 4 टायर लगाना, उसमें इंजन लगाना और भी बहुत सारी चीजें करके उसको रोड पे चलाना, बहुत ही ज्यादा हार्ड है ये। अरे विक्की भाई पर ये तो बता आपको ये कैसा लगा? मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यार। शिनचैन और चॉप तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। चलो मेरा सरप्राइज तो हो गया, अब मैं यार लिली की बर्थडे पार्टी में भी जाना है। आओ लिली मुझे भी जाना है। हाँ चॉप तुझे भी लेके चलूंगा। तो गाइस सर अब यार ये सरप्राइज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता दो। इन्होंने मेरी यार मुंडी बनवा ली, वो भी स्टैचू, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। और अभी हम जाने वाले लिली की बर्थडे पार्टी में। अरे विक्की भाई मुझे भी ले चलो। अरे हाँ शिनचैन तेरे को भी लेके चलूंगा, टेंशन क्यों ले रहे? तो गाइस सर शिनचैन और चॉप हमारे साथ बैठ चुके और हम जा रहे हैं सीधा लिली की बर्थडे पार्टी के लिए। अभी शिनचैन उसको गिफ्ट क्या दे? अरे विक्की भाई गिफ्ट क्यों देना, सीधे जाएंगे खाना खाएंगे और क्या। बात तो सही है, अपन को सिर्फ खाने से मतलब है, जाएंगे खाना खाएंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। चलो गाइस फटाफट से भी हम जाने वाले हैं लिली की बर्थडे पार्टी पे। आओ फ्रैंकलिन तुमको पता है क्या, लिली मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अरे हाँ बताया बताया मुझे। चॉप तूने तो कभी हमें नहीं बताया था तेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में। आओ मुझे शर्म आती है उसके बारे में बताने में। शर्म आती है? अबे तेरी पत्नी तो ना, शर्म क्यों आती है? आओ पर मैं उसको पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या
किया, तू उससे शादी करना चाहता है? अरे हाँ फ्रैंकलिन, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे कैसे, जॉब तो बावला हो गया, ये बोल रहा है कि उसको उससे शादी करनी है। नहीं नहीं जॉब, तू शादी वादी नहीं कर सकता, अगर तू शादी करेगा तो तू अलग हो जाएगा हमसे, पर मैं नहीं चाहता कि हम अलग हो, हम तीनों साथ में मजे करेंगे। चलो फटाफट से चलते हैं लिली की बर्थडे पार्टी पे। अरे फेकी मैं अपनी गाड़ी की खुदा ली। अबे शिनचैन तू टेंशन मत ले, मैं बहुत ही बढ़िया लैंडिंग करने वाला हूं, और यहां पे मस्ती लैंडिंग हमने कर दी है। चलो आपसे मिलता हूं फटाफट से लिली की बर्थडे पार्टी पर। तो गाइस यार लिली की बर्थडे पार्टी पे हम यहां पे पहुंच चुके हैं और यहां पे तो बहुत ही ज्यादा लोग हैं। आ जाओ शिनचैन और जॉब, फटाफट चलते हैं लिली की बर्थडे पार्टी में। मैंने सोचा यार दो तीन जने आएंगे, पर यहां पे तो बहुत सारे जने आ चुके हैं। तो चलो यार देखते हैं इधर खाना कहां मिलने वाला है, क्योंकि हमारा मेन काम तो है खाना खाने का यहां पे, और यहां पे तो बहुत सारे जानवर आ रखे हैं। बिल्ली आ रखी, कुत्ता आ रखा है, गाय आ रखी है, एक बतख भी आ रखी है इस लिली की बर्थडे पार्टी में। हैप्पी बर्थडे लिली, खाना कहां पे मिलेगा? अबे शिनचैन तू पागल है क्या, किसी भी पूछ लेता है। आजा फटाफट से अपन तो खाना ढूंढते हैं, खाना खाना खाएं। तो गाइस यार खाना तो हमें नहीं मिल रहा, पर सामने एक खतरनाक सी गाड़ी हमें जरूर दिख चुकी है। ये गाड़ी कैसी भाई, इसके अंदर तो स्पीकर लगे हुए। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो। ए काम करने दे। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो। ए निकलना काम करने दे। बोलो भाई क्या हो गया, और ये गाड़ी आपने बनाई क्या? और नहीं तो क्या, ऐसी गाड़ी सिर्फ मैं बना सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, इसमें पीछे स्पीकर है, बीच में स्पीकर है, और आगे भी स्पीकर है। अरे तुम्हारा काम हो गया ना, चलो निकलो ऐसे खाना खाओ। अरे आपको कैसे पता हम खाना खाने? यहाँ पे सभी लोग खाना खाने आते हैं, कौन उस कुत्ते की बर्थडे पार्टी में आएगा, चलो निकलो ऐसे। अरे भाई साहब वैसे मुझे आपसे काम था। हाँ बोलो। अरे अंकल मुझे आपसे काम है। हाँ बोलो क्या हो गया। अरे अंकल क्या फेंकी फेंकी शक्ल की गाड़ी बना सकते हो? क्या किसकी शक्ल की गाड़ी? इस काले की। ए काला किसको बोल रहा है? काले को काला नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा। अरे वो चल छोड़ो ना, आप मेरी शक्ल की गाड़ी बना सकते हो कि नहीं? कैसे बनानी बताओ। ये देखो ये मेरी शक्ल है, इसको आप लो, इसके नीचे टायर लगाओ, इंजन लगाओ, और वो चलनी चाहिए। क्या मतलब तुम्हारी गर्दन काटनी है? अरे नहीं नहीं गर्दन नहीं काटनी, मतलब यार नकली एक शक्ल बनानी है, लोहे की प्लास्टिक की जैसे भी अभी बने। हाँ मैं कर सकता हूँ, पर तुमको बतानी है मेरी फीस बहुत ज्यादा हाई है। अरे अंकल पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे तो शिनचैन दे देगा। अरे फेकी में मैं कैसे लाऊंगा पैसे? अरे जॉब दे देगा, हमारा पास बहुत पैसा, बता दूंगा। चलो जॉब आपको पैसे दे देगा, बस आप यार मेरे लिए गाड़ी बना दो। वैसे तो मैं ये काम करता नहीं हूँ, इतनी गंदी शक्ल वालों के लिए कुछ भी काम नहीं करता, पर अगर तुम पैसे दोगे तो जरूर करूंगा। चलो कहाँ चलना है? चलो मैं आपको घर लेके चलता हूँ, वहाँ पे जाके अपन सब कर सकते हैं। चलो चलो। तो गाइस सर आए तो हम लिली की बर्थडे पार्टी के लिए थे, पर हमें दूसरा काम मिल चुका है, हम बनवाने वाले अपने शक्ल की खतरनाक सी गाड़ी। अरे फेकी मुझे तो बिठा लो। अबे तू टैक्सी से आ जाइयो। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं अपन घर पे, और इनको दिखाते हैं हमें क्या बनवाना है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हमारे लिए बनने वाली है फ्रैंकलिन की फेस वाली गाड़ी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो गाइस यार घर पे अभी हम लोग सब के सब आ चुके हैं, हमारे खतरनाक से मैकेनिक आ चुके हैं, शिनचैन चॉप हम सब के सब आ चुके हैं। फटाफट से हमारा काम शुरू कर दो। अरे पहले मुझे समझाओ तो सही, मुझे करना क्या है? अरे अंकल मैं समझाता हूं। हां शिनचैन आपको समझाएगा। अरे अंकल आपको लेनी है फ्रैंकलिन भैया की मुंडी, उसके नीचे लगाने दो टायर, उसके अंदर लगाना इंजन, उसके लगाने अंदर स्टीयरिंग व्हील, और भी बहुत सारी गाड़ी की चीजें, ताकि इनको हम चला पाए। तो तुम बनाना चाहते हो एक 3D फ्रैंकलिन की मुंडी वाली कार? हाँ बिल्कुल सही समझे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सही में बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, बस $5 million लगेंगे। 5 मिलियन? मैंने तो बोला ही था मेरी फीस देनी पड़ेगी। अरे हमको तो ना पता था इतनी ज्यादा फीस होगी, 5 मिलियन तो बहुत ही ज्यादा है। बनवाना है तो बताओ, वरना मैं चलता हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है। मुकेश अंबानी भी लाइन में, वो अपने बेटे के लिए खतरनाक सी गाड़ी बनवाना चाहते हैं। नहीं 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 हम आपको पैसे दे देंगे। अरे फिक्की में कैसे लेंगे? कैसे तो दे देंगे अंकल, आप टेंशन मत लो। तो एक काम करो, मुझे बहुत सारा सामान चाहिए उस खतरनाक सी गाड़ी को बनवाने के लिए, तो कौन लाके देगा? शिनचैन लाके देगा। मैं क्यों लेके दूंगा? चॉप लाके देगा। आओ मैं नहीं लाऊंगा, तुम लाओ। मैं लाऊं? मेरी गाड़ी का सामान मैं ही लाऊं? अच्छा ठीक है मैं ला दूंगा। बताओ सर क्या क्या लाना है? पहले तो तुम्हारी शक्ल की एक फोटो चाहिए। मेरे शक्ल की फोटो? वो तो आपको अभी क्या भी मिलेगी। इनको अभी मस्त एक फोटो खींच के देते हैं। स्माइल 1 2 3। अरे कितने ज्यादा काले हो आप तो। ए काला वाला नहीं हूँ। लो अंकल फोटो हमको मिल चुकी है, मैंने आपको भेज भी दी। बहुत बढ़िया, अब मुझे चाहिए 5 2TV बोट हेलीकॉप्टर के विंग्स और एक बड़ा सा इंजन। 5 2TV बोट हेलीकॉप्टर के विंग्स? अरे उड़ने वाली गाड़ी नहीं बनवानी? अरे हमको उड़ने वाली गाड़ी नहीं चाहिए, नॉर्मल गाड़ी चाहिए। मैंने जो बोला वो करो, उससे नॉर्मल गाड़ी मिलेगी। मुझे 5 2TV बोट हेलीकॉप्टर के विंग्स और एक बड़ा सा इंजन ला के दो। ना आओ लाकर।
आओ लाके दो ना। हाँ हाँ जा रहा हूँ। और कुछ तो नहीं चाहिए ना? हाँ और एक बर्गर भी चाहिए। हाँ हाँ बर्गर भी ला दूंगा। हाँ और पेप्सी भी। अच्छा ठीक है पेप्सी भी चाहिए। और हाँ फ्रेंच फ्राइज भी। अरे हाँ हाँ फ्रेंच फ्राइज भी। और कुछ चाहिए? जितना बोला उतना काम करो। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो। हाँ बोलो और क्या चाहिए तुमको? और सॉस भी। हाँ हाँ सॉस भी ला दूंगा। मैं तो निकल रहा हूँ, ऐसे कितना बड़ा ऑर्डर मुझे दे दिया, मुझे तो याद भी नहीं रहेगा। गाइस फटाफट से कमेंट में ये सारा ऑर्डर लिख दो ताकि मुझे याद रहे, और फटाफट चलते सारी चीजें लेके आते हैं। पहले तो मेरे 5 बोट चाहिए होगी, तो वो कहाँ मिलेगी मुझे बिल्कुल ढंग से पता है। समुंदर के पास जाएंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रैश होते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा बोट डूबती है, वहाँ पे पक्का हमें मिल जाएगी। चलो फटाफट से चलते हैं अपन समुंदर के पास। अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम पहुंचने वाले 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। 1 मिलियन तो यार 1 या 2 दिन में कर ही देंगे आराम से। तो गाइस यार पहले तो हम ढूंढने आ चुके हैं खतरनाक सी टूटी फूटी बोट्स, जो कि हमें मिलने वाली है इधर ही कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे यार बहुत ही ज्यादा बोट्स क्रैश होती है, क्योंकि यहाँ पे ये पानी एकदम से खत्म होता है फिर वापस चालू हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा क्रैश व्रैश होता रहता है यहाँ पे। तो हमें बस यहाँ पे छोटी छोटी टूटी फूटी बोट ढूंढनी पड़ेगी, वो कहाँ मिलेगी। और सामने मुझे थोड़ी बहुत बोट दिख रही है, पर बीच में बहुत सारा पानी है, क्या हमारी गाड़ी जा पाएगी? और ये टायर तो इसके पूरे पानी में जा चुके। चलो टेस्ट करते हैं, चल जा। वो चल गई। मैंने सोचा नहीं था ये पहुंच पाएगी, पर अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके। सामने बहुत सारी बोट्स मुझे दिख रही है, इधर से भी क्रॉस कर लेते हैं फटाफट से, और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखते हैं हमें कौन सी बोट हमारे काम आने वाली है। ये वाली बोट तो पूरी ऐसा लग रहा है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इसके ऊपर, आगे से देखते पूरी जली हुई, तो ये हमारे काम आ सकती है। तो एक हमें मिल चुकी है, और सामने एक पानी के अंदर भी है जो कि पूरी ब्लास्ट हुई है, ये देखो पीछे से पूरी जली हुई है, ये भी हमारे काम आ जाएगी। और ये तो आधी पानी के अंदर है, ये तो आराम से काम आई जाएगी। और देखते हैं सामने में एक और बोट दिख रही है जो कि पूरी टूटी हुई है, हाँ ये भी ब्लास्ट हुई है। यहाँ पर तो सारी बोट्स यार ब्लास्ट हुई है, तो लगता है इन सारी बोट्स का हम काम यूज कर सकते हैं। और उस मैकेनिक को देख सकते हैं, उसने पता नहीं क्यों बोट्स मंगवाई, वो तो नहीं पता, पर वो तो पता चली जाएगा। ये देखो ये वाली बोट भी पूरी टूटी पड़ी है, इसको भी फटाफट से यहाँ से लेके चलते हैं। पर मेन क्वेश्चन ये है कि इन सबको यहाँ से लेके जाएंगे कैसे? पहले तो हमें ब्रिज के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, फिर ट्रेलर के ऊपर बिठाना पड़ेगा, फिर घर लेके जाना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, कुछ ना आइडिया सोचना पड़ेगा। तो गाइस यार बहुत टाइम लगाने के बाद आखिरकार मैंने सारी बोट्स को डाल दिया कंटेनर में, और मैंने एक हेलीकॉप्टर वाले को भी फोन कर दिया है, वो बस आते है, वो हेलीकॉप्टर वाला इस कंटेनर को उठाएगा और सीधा लेके जाएगा मेरे घर पे। और गाइस यार सामने से मुझे एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिख गया, और ये वही हेलीकॉप्टर जो कि मैंने मंगवाया है। आ जाओ आने दो ये कंटेनर को फटाफट से उठा लो। अरे मेरी गाड़ी को नहीं उठाना अंकल। अरे सो तो मेरी गाड़ी को उठा लिया अंकल, क्या कर रहे हो, कंटेनर उठाना मेरी गाड़ी को नहीं। तो बहुत सारी दिक्कतों के बाद आखिरकार कंटेनर उठा लिया हमारे हेलीकॉप्टर ने, और ये जाने वाला सीधा घर पे। तो हम इससे मिलेंगे सीधा घर पे, बाय बाय हेलीकॉप्टर। तो चलो यार यहाँ से हमारे निकलने का टाइम आ चुका है, और मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन अभी भी यार उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को हाय हेलो करता है, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा हो चुका हूँ फिर भी हाय हेलो तो मैं करता हूँ। आप में से कौन कौन करता है फटाफट से कमेंट करके बता देना। और हम जाने वाले सीधा अपने घर पे, क्योंकि मेरा यार पार्सल बहुत ही जल्दी डिलीवर होने वाला है, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है बहुत ही ज्यादा तेज। एक काम करते ना, जब तक हमारा हेलीकॉप्टर उधर डिलीवर करता है हम जाकर हेलीकॉप्टर के पंख ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि हमको हेलीकॉप्टर के पंख भी चाहिए थे, उस मैकेनिक ने बोला था। तो एक काम करते हैं हेलीकॉप्टर के पंख ढूंढने निकलते हैं, देखते हैं हमें कहां मिलने वाले। तो गाइस यार मुझे पता चला था हेलीकॉप्टर सेल के बारे में, यहाँ पे एक अंकल है जो कि बेच रहे बहुत सारे हेलीकॉप्टर। वैसे तो मुझे सिर्फ हेलीकॉप्टर के पंख चाहिए, पर अंकल से बात करके देखते हैं, क्या पता हमें अंकल यार हेलीकॉप्टर के पंख ही देते। और अंकल क्या हाल है? जल्दी बोलो क्या काम है, फालतू टाइम नहीं मेरे पास। अरे अंकल तो बहुत ही ज्यादा बिजी लगे हुए। अंकल मैं आपको सीधा बताता हूँ, सिंपल बताता हूँ, मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर के पंख, ना मुझे आपका हेलीकॉप्टर चाहिए ना कुछ चाहिए, बस मुझे उसके पंख चाहिए। पागल हो गए क्या, कोई पंख देता है क्या? अरे अंकल दे दो ना यार। नहीं दूंगा। दे दो। नहीं दूंगा। अरे अंकल यार मान जाओ यार, वरना मुझे यार कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे, गुंडागर्दी करोगे? मैं डरता नहीं हूँ। गुंडागर्दी तो नहीं करूंगा, आपको सीधा गोली मारूंगा। अंकल बहुत ही ज्यादा माथा खा रहे थे, सीधा बोल रहा एक पंख निकाल के दे दो, पर दे नहीं रहे थे इसलिए हमको अंकल को मारना पड़ा। तो अब ये सारे हेलीकॉप्टर हमें मिल चुके हैं, बस इसमें से हमें यार पंख निकालना है और लेके चलना है। एक काम करते हैं इन सारे पंख को इधर से अलग कर देते हैं। एक काम करते हैं 2 हेलीकॉप्टर के पंख ले लेता हूँ, ताकि हमारा जो मैकेनिक है वो ज्यादा बोले भी नहीं। फटाफट से एक पहले वाला तोड़ेंगे, इसको हमने कमजोर करेंगे, दूसरे वाले को भी कमजोर करेंगे। तो गाइस यार हेलीकॉप्टर के पंख हमने निकाल लिया, पंख यहाँ पे मिल चुके हैं, उसमें बहुत ही बड़े
बड़े लग रहे थे पर यहाँ पे छोटे हो चुके कि आधे तो टूट भी गए थे। पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है हमारा काम हो जाएगा। फटाफट से मैकेनिक को जाके देते सारे सारे पंख और बनवाते अपनी खतरनाक सी गाड़ी। एक सेकेंड, उसने तो मुझे इंजन आने के लिए बोला था, मैं तो भूल गया था, मुझे तो इंजन भी चाहिए। अरे यार ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। पहले इसको फटाफट सारे पंख डिलीवर करते हैं और फिर अपन चलते हैं इंजन लेने। तो यार अभी पास में मुझे यहाँ पे यार बहुत सारे प्लेन क्रैश दिख चुके हैं, तो मुझे लगता है यार मुझे इंजन भी आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारा भंगार का सामान है और सामने मुझे टूटी हुई बोट्स भी दिख रही है। यहाँ पे मुझे पहले आ जाना चाहिए था, यहाँ पे मुझे टूटी हुई गाड़ियाँ, टूटी हुई बोट्स और लगता है हेलीकॉप्टर के पंख भी मिल ही जाते। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, फटाफट से ढूंढते हैं जो हमें चाहिए, बड़ा सा इंजन। हमें यार उतर के ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे मुझे दिखने नहीं वाला यहाँ पे कितना ज्यादा बड़ा प्लेन क्रैश हो रखा है। इस पर इंजन ऐसा मिल जाता तो मजा आ जाता। इधर देखो भाई कितने ज्यादा बड़े बड़े प्लेन क्रैश हो रखे हैं और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां, बस, ट्रक, सब की सब चीजें। बस हमें इंजन चाहिए। इंजन है क्या? मुझे नहीं लगता इन गाड़ियों मुझे इंजन मिलने वाला है। इधर भी कोई इंजन मुझे दिख नहीं रहा है। चलो चलो फटाफट से इधर ऊपर चढ़ जाते, क्या पता ऊपर से हमें कुछ दिख जाए दूर से। और यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या? सामने भी और भी प्लेन दिख रहे हैं पर कोई इंजन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इंजन 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 मिल जा यार, ये इंजन कहाँ मिलेगा समझ नहीं आ रहा मुझे तो। यहाँ पे ये ट्रेन का भी डब्बा पड़ा है, क्यों ना इसको भी ले चले। पर उसने मंगवाया नहीं, फालतू में कौन लेके जाएगा इतना ज्यादा दूर। इंजन हमें कहाँ मिलेगा? ये तो ये होते हैं ना प्लेन के इंजन, पर ये प्लेन के इंजन नहीं, शायद प्लेन के पंख होते हैं या फिर पता नहीं क्या होते हैं। पर हमें यार गाड़ी का इंजन चाहिए, प्लेन का इंजन तो होना चाहिए। कहाँ मिलेगा समझ नहीं आ रहा है। ये देखो भाई पूरा पूरा प्लेन आधा हो चुका है यहाँ पे। कहाँ मिलेगा इंजन, कहाँ मिलेगा? और यहाँ पे ये क्या? अरे ये तो इंजन ही है ना। और यार ये तो इंजन ही है, तो कैसा लगता है हमें इंजन भी मिल चुका है। ये तो मुझे बिल्कुल नया नया भी लग रहा है, मतलब पुराना है पर अच्छा लग रहा है। चलो एक काम करता हूँ, फटाफट से गाड़ी को यहाँ पे लेके आते हैं, इस फटाफट से इंजन को उठाते हैं और चलते अपन घर पे। और हाँ याद रखना, उसके लिए मुझे बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और भी पता नहीं सॉस और ये चीजें बोली थी, वो मुझे लेके जानी है वरना वो मेरा माथा खा जाएगा। चलो फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और फटाफट से वो इंजन उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी इंजन हमें मिल चुका है। ये इंजन सही में बहुत ही ज्यादा भारी है और साइड में तो थोड़ा पिघला लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हमारा मैकेनिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो इसको ठीक कर देगा। तो सारा काम हो चुका है, बस यार बीच में बर्गर शॉट रुकेंगे, सारा सामान लेंगे, एक बर्गर, एक फ्रेंच फ्राइज, एक सॉस और एक कोल्ड ड्रिंक। चलो फटाफट से चलते हैं और उसको देते हैं सारी चीजें और हमारी खतरनाक सी फ्रैंकलिन की मुंडी वाली गाड़ी बनने वाली है। तो घर तो हम बस पहुंचने वाले और सामने मुझे लगता है वो सब के सब जने छत पे चढ़ चुके हैं, हमारी गाड़ी बन रही है हमारी छत पे। चलो फटाफट से देखते हैं कहां तक ये काम पहुंचा है। अंकल मैं आ गया, मैकेनिक अंकल। ए अंकल किसको बोल रहा है, मैं सिर्फ 17 साल का हूँ। क्या 17 साल के? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, पर कोई बात नहीं, सारी बोर्ड्स आ चुके, पंख हमारे आ चुके हैं। ए इंजन कहाँ पे? अरे हाँ इंजन भी तो लाना था, रुको इंजन लेके आता हूँ। तो इंजन हमारा आ चुका है और अंकल आपके बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक भी आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, इंजन अच्छा है, बोर्ड्स अच्छे, पंख अच्छे, मेरा बर्गर अच्छा है, फ्रेंच फ्राइज अच्छे, कोल्ड ड्रिंक अच्छी है और सॉस। एक सेकंड, सॉस कहाँ है? सॉस? अरे मैंने बोला तो था, अरे सॉस जल्दी भूल गया लगता है वो। काम करो अंकल ऐसे ही खा लो। नहीं नहीं नहीं, मैं सॉस के बिना कुछ नहीं खाता, जल्दी जाके सॉस लेके आओ। अरे अंकल सॉस लेने इतना दूर जाऊंगा क्या? जल्दी जाओ वरना काम नहीं करूंगा। अरे यार ये तो अलग ही दिक्कत है, एक काम करो अब काम चालू करो, मैं सॉस लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले सॉस। अरे अंकल काम तो शुरू करो, मैं लेके आता हूँ ना। अच्छा ठीक है जल्दी लेके आना। हाँ अंकल अब टेंशन मत लो। अरे विक्की मैम से एक काम भी नहीं होता। अबे शिनचैन क्या करूँ, इतना सारा काम था, सॉस तो मैं भूल ही गया था। तो कह मैं सारी चीजें बाकी तो लेके आ गया पर यार थोड़ी सी सॉस भूल चुके हैं। फटाफट चलते हैं इनके लिए सॉस लेके आते हैं। एक तो अंकल बिना सॉस के बिना खा लो, पर नहीं इनको सॉस भी चाहिए। चलो फटाफट चलते हैं इनके लिए सॉस लेके आते हैं, जब तक हमारी गाड़ी कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हम उस जगह पे आ चुके जहाँ से हमने लिए थे बर्गर। अरे अंकल यार बोला था एक्स्ट्रा सॉस देंगे, आपने तो एक भी सॉस दे दी। थैंक यू भैया, सॉरी भैया, ले जाओ अभी। अरे क्या सॉरी, इतना ज्यादा दूर आना पड़ा, लो फटाफट से सॉस दो। तो गाइस अभी हमें सॉस मिल चुकी है, फटाफट चलते हैं उस मैकेनिक को सॉस देते हैं वरना वो मेरा माथा खा जाएगा। चलो गाइस फटाफट से हमें सॉस मिल चुकी है, चलो चलते हैं। मैकेनिक अंकल सॉस में ले आया, इनकी सॉस में लेके आ चुका हूँ, देखते हैं अभी ये कहाँ तक पहुँचे हैं। अंकल आ गया मैं। ये कर लो कहाँ चले गए? ओ सामने खड़े, एक सेकंड। अरे ये क्या है? लगता है मेरी गाड़ी बन चुकी है। और ये क्या, ये तो शक्ल बिल्कुल मेरे सेम है। अंकल ये लो आपकी सॉस। अरे तुम तो बहुत ही लेट हो गए, वो तो मैं खा गया। क्या
खा गए, अभी बोल रहे थे सॉस के बिना खाऊंगा नहीं और खा गए। पर कोई बात नहीं अंकल, आपने मेरी गाड़ी बना दी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इसके टायर देखो कितने बड़े। अरे फेकी भी गाड़ी तो बहुत ही खतरनाक है। हो गया तो सही में बहुत ही खतरनाक है। वही तो काइजर, कितनी ज्यादा खतरनाक गाड़ी है। चलो इसमें बैठते हैं, अभी तो मेन टेस्ट देना बाकी है। क्या हमारी गाड़ी चलेगी? अभी पता चलने वाला है। और ये गाड़ी तो चलती भी है, कितना ज्यादा मजा आ रहा है। अरे फेकी मुझे भी तो बैठाओ ना। मुझे भी बैठना है। अरे आ जाओ चॉप शिनचैन फटाफट से बैठ जाओ। अरे भैया तो मैं जाऊं क्या? अंकल आपने बहुत ही अच्छा काम किया, हम आपसे ऐसा काम अगली बार जरूर कराएंगे। तो गाइज़ फटाफट से कमेंट में बताना अगली गाड़ी हम कौन सी बनवाए अंकल से। पर अभी हम जाने वाले हमारी इस खतरनाक सी गाड़ी में घूमने। शिनचैन और चॉप हमारे साथ आ चुके हैं। अरे वेकी में तो गाड़ी सही में चल रही है। सही में यार शिनचैन बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है। अच्छी बोलती बढ़ गई, पर कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी सही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जो हमारी आंखें वो एक खिड़की की तरह, इसके हम आर पार देख सकते, सामने देख सकते कौन आ रहा है, और ये जो राइट में कान है उधर से मस्त से हवा भी आ रही है अंदर तक। तो गाइस हमारी गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। फटाफट से कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको ये गाड़ी। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अरे वेकी मुझे भी बहुत ही अच्छी लगी। मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो गाइस अगर आप इस गाड़ी में घूमना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट करो आप इसमें घूमना चाहते हो, और सब्सक्राइब भी करो। हमें जाना है 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक सिर्फ यार 2 दिन में। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाकर जाना फॉलो करना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।